press the bell icon so you never miss any video from The Idiots. बाबा जी बड़ा पत्ता, बड़ा पत्ता बाबा जी। किंग किंग आ हाँ भाई, पत्ते खेले जा रहे हैं, जबरदस्त। कौन जीत रहा है? बॉस मैं जीत रहा हूँ, इसकी तो खाली दुग्गी तिग्गी आ रही है। अच्छा अच्छा, वैसे खाने के लिए लाऊं तुम लोगों के लिए कुछ? थक गए होगे खेलते हुए, कुछ भी, मच्छर का पर, चमगादड़ की दुम। अरे नहीं नहीं बॉस, अभी अभी हमने नेवला काट के खाया है। जी बॉस। बगैर को खेलने के लिए रखा हुआ तुम लोगों काम पर। अब दुनिया में सब गुनाह करते हैं ना, हमारा काम तो खत्म हो गया, नेकी करने वाला कोई बचा ही नहीं है, हैं? दफाओ जाकर और जाओ गुनाह करवाओ लोगों से, यही पीक टाइम है, रमजान आने वाला, चलो। तू बोल, नहीं तू बोल, मैं जीत रहा हूँ, तू बोल, तू बोल, मैं नहीं बोल रहा। ए क्या तू बोल लगाया हुआ है? तुम बोलो छोटे, क्या बात है? बॉस आपको तो पता है ना, सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, इसलिए हम दोनों ने अपने आप को घर में बंद किया हुआ है, अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें भी लग जाएगा ना, इसीलिए स्टे एट होम, स्टे सेफ बॉस। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं भाई। चलो भाई, एंजॉय द गेम। थैंक यू बॉस। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी फारिक टॉपिक कराते हुए? अबे भाई, सदियों से शैतान इस दुनिया में है, हमारे सामने पता नहीं क्या क्या आया और क्या क्या किया। वर्ल्ड वॉर 1, 2, फ्लू, टीबी, एड्स, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या सारी बीमारियां हमारे सामने आई है। 1200 साल से हूं इस दुनिया में, सब कुछ देखा है मैंने, और ये छोटा सा कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? याद रखो, कोरोना शैतान को नहीं, शैतान कोरोना को लगता है। लेकिन बॉस, कोरोना की वजह से तो लोग वैसे ही घर में बैठे हैं, अपना काम तो आधे से ज्यादा आसान कर दिया है ना। आसान नहीं कर दिया बेटे, और मुश्किल कर दिया है। लोग घरों में बैठ के कब तक नेटफ्लिक्स और चिल करेंगे? एक वक्त आएगा कि थक जाएंगे और बोलेंगे घर में बैठे हैं तो चलो इबादत ही कर लें। अब जाओ दफा और जाकर कुछ कर। पंद्रह मिनट तक बुलवाओगे तो गला सूखेगा ना मेरा। जाओ जाकर मेरे लिए चील का खून लेकर आओ। बॉस हमने कहा था ना, कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ बॉस, वो तो शुक्र है आपकी बात सुन के हम बाहर नहीं गए, वरना हम भी आज यहीं पे लेटे हुए होते। इस बार आप गलत थे और हम सही थे। अबे डॉक्टर, कौन सी दवाई बना रहा है भाई तू? 2 घंटे से अभी तक बनी नहीं है। बन तो गई है बॉस, मगर एक चीज की कमी है। क्या? सांप का बच्चा। सांप का बच्चा, सांप को चलेगा? जल्दी कर। ये ले बॉस, दवाई तैयार हो गई है, मेरी 800 साल की रिसर्च है इसमें, आप इसको पी लें और 10 सेकंड बाद आप उठ के नाचने लगेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। गला खोजा यहां से और सही दवाई बना के लेकर आओ। और अब की बार अगर मेरे अंदर से किसी जानवर की आवाज निकली ना, तो तुझे मैं बर्फ के गोले मारूंगा। निकल यहां से। ये सब क्या पहना हुआ तुम लोगों ने? बॉस वो आपके लिए जूस ले। दिखा दी ना औकात, मतलब जिसने इतना साल पाला पोसा खिलाया पिलाया उसी के सामने ये मांस। थू, चलो उतारो सब, उतारो। सॉरी बॉस, वो न्यूज में बता रहे थे कि 6 फुट दूर रहना है और मास्क वगैरह पहनना है, इसलिए हमने सोचा। हमने सोचा कि हम बच जाएं और तुम्हारा बॉस मर जाए, है ना? नहीं नहीं बॉस, आप क्या बात कर रहे हैं, आप ये जूस पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बाहर में जाए ये जूस, बच्चों वाला जूस मुझे नहीं पीने। जाओ जाकर मेरे लिए चील का खून लेकर आओ, जाओ दफा हो। तू बना ना हत्ता है। क्या बड़बड़ा रहा है? अब
अबे यार एक तो उनसे इतने प्यार से बात करो, उसके बाद भी जलील कर देते हैं यार। इतने सालों का साथ है यार हमारा, उसके बाद भी जलालत। यार कसम से तूने दिल की बात कह दी है, मैं भी यही सोच रहा था। और मुझे नहीं लगता बॉस बच पाएंगे जिस तरह की उनकी हरकतें चल रही हैं। और अगर ये मर गए तो तमाम शैतानों के सरदार हम दोनों, आधी दुनिया तेरी आधी दुनिया मेरी। लश दादा, फुल डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी। चल आ जा, चल दबा दबा जान लगा। बॉस आपसे कोई मिलना आया, उनको पता चला आपकी तबीयत खराब है तो अंदर बुला लूं? पहले ये बताओ कि किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है? इसने बॉस, इसने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाया था। अच्छा, क्या स्टेटस लगाया था? हमारे आका, हमारे बॉस बहुत शदीद बीमार है, उनको कोरोना वायरस हो गया है। आप लोगों से बहुत बददुआएं और लानतों की दरख्वास्त है ताकि वो जल्द से जल्द सेहतियाब होकर आप लोगों को गुनाहों में लगा सकें। और हाँ, शैतान आपको ये मैसेज शेयर करने से नहीं रोकेगा क्योंकि वो बीमार है। जाओ भेजो उसको अंदर। और गुरुजी, what's up? How's your health? औकात मेरा हो। अरे गुरुजी, मतलब मैं कह रहा था कि क्या हो गया, मतलब इतनी तबीयत खराब हो गई आपकी? बस यार, कोरोना ने हमारी भी ले ली है। खैर तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? गुरुजी क्या चलेगा, बस हम तो सुबह शाम आपकी सेहत याबी की दुआएं कर रहे हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाए वरना क्या करेंगे हम आपके बगैर। और आगे वैसे भी रमजान है। अबे करने को बचा ही क्या है, अब 10 वाला मास्क 50 में, 200 वाला सैनिटाइजर 2000 में है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने का सही फायदा उठाया तूने। अब जब ये मेरे बगैर हो गया है तो आगे भी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। बस गुरुजी आपकी बद्दुआएं यकीन करें, धंधा इतना जबरदस्त चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है। मतलब लोग एक दूसरे को कत्ल करने पे तुले हुए अगर सैनिटाइजर और मास्क ना मिले। बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। तुम मेडिकल इंडस्ट्री में हो ना, ये इसकी दवाई बनाई है कोई या नहीं? गुरुजी दवाई तो हमने एक हफ्ते में बना ली थी, मगर हमारे चेयरमैन है ना, उन्होंने दवाई छुपा ली। हमने बोला भाई लोगों को बताओ क्या करना है, बोले मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपना मजाक नहीं उड़वाना। वैसे सही कर रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना सारा सैनिटाइजर और मास्क का जो स्टॉक है वो कब बेचेंगे हम अगर कोरोना खत्म हो गया। बहुत हरामी है तू, बहुत हरामी है। बस गुरुजी आप ही के सीखे में। लानत हो, लानत हो, लानत हो, लानत हो। चलो चलो लगे रहो, चुप के रखो है। दवाई रेडी है, इस बार तो आप देख भाई बात सुन, अगर तो ये दवाई 100% काम करती है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर, वरना इस बार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? हरामी। बॉस एक और बंदा आपको देखने आया है। एक तो इसका स्टेटस भेजो। ये आ गया मेरा चीता, मेरा शहजादा, मेरा गड्डा, सबसे फेवरेट इंसान है तू। और बता क्या चल रहा है आजकल लॉकडाउन में, डंडे वंडे मार रहा है या हा? अरे बॉस डंडे मार के क्या मिलता है, खांचे तो बंद हो गए ना अपने, और हम मार इसलिए थोड़े रहे हैं कि लोग घर में बैठे, बल्कि साहब इसलिए मार रहे हैं कि रिश्वत बंद हो गया, ड्यूटी सख्त हो गया साहब, गुस्सा आता है और लोगों को डंडे मारते हैं। खैर साहब आप सुनाएं आगे का क्या प्लान है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा साहब? यार क्या प्लान, क्या प्लान, अभी अपनी अपनी देखो और अपनी अपनी बचाओ, क्योंकि अभी शैतान से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है जब तक मैं सही नहीं हो जाता। बाकी ये है कि कोई आगे पीछे ना हो तो लॉकडाउन में भी घूमने दो, 500,000 रुपये ले लो और खांचे बनाओ, बोल दो कि इस गली से चले जाओ, यहाँ पर कोई नहीं होगा, देख लो यार अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता। अरे साहब आपके पास है कोई आइडिया ना मिले साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर बॉस आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपके लिए बद्दुआ करूँगा साहब। लानत साहब, लानत, लानत, लानत। ओ डॉक्टर कुछ बना दे भाई, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब ही हो जा रही है। ओ डॉक्टर आजा भाई, जो भी बनाए पिला दे, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। बस अब काम करेगा ना ये? 100% काम करेगा बस।
बैठो बच्चों और मास्क लगा लो और थोड़े फासले पर बैठना। देखो बच्चों, मैं 400 साल से तुम लोगों का सरदार हूं और पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन उन 400 साल से पहले मैं 800 साल तक गुलामी भी कर रहा था। और ऐसा ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होती है, उठाने पड़ते हैं कदम। लेकिन अब इस बीमारी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मेरे बाद अब तुम लोगों का सरदार कौन होगा। अरे बॉस, आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, वो हम दोनों ने आपस में फैसला कर लिया है। मेरा एक बेटा है जो यूरोप और अमेरिका की साइड संभालता है, मेरे बाद वो तुम लोगों का सरदार होगा और तुम लोगों को भी उसकी ऐसी खिदमत करनी है जैसी मेरी करते आए हो। अच्छा चलता हूँ, मर गया तो बद्दुआओं में याद रखना। वो देख, बॉस के लिए नई दवाई बना के लेके जा रहा है। डॉक्टर जरा, और दोस्त बॉस के लिए नई दवाई लेके जा रहे हो? यार एक काम करते हैं ना, तुम हर दफ़ा दवाई लेके जाते हो, हर दफ़ा जलील होते हो, इस बार कुछ नया करते हैं। हम दवाई लेके जाते हैं, अगर कुछ होगा तो हम ही जलील होंगे। शुक्रिया मेरे से पानी भाइयों, चलो जाओ। डॉक्टर ने आपके लिए नई दवाई भेजी है, वो कह रहा था इस बार आप पी लें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा आठ सौ साल से हुकूमत कर रहा था ना, अब क्या हो गया तुझे? और तेरे बच्चों की गुलामी करेंगे हम, अब ऐसी तड़प तड़प के मर मर जा, जल्दी मर। मर गया दादा, मतलब आधी आधी दुनिया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अरे मिरेकल मिरेकल मिरेकल, वो जिंदा हो गए। डॉक्टर, ओ डॉक्टर भाई, क्या मिलाया था तूने दवाई में? अबे जो भी मिलाया था बड़ा अच्छा मिलाया था। आज से तू मेरा फेवरेट चेला है और तुम दोनों इसे रिपोर्ट करोगे। तेरी सैलरी डबल, सब कुछ डबल, तू हेड ऑफ शैतान है, तू समझा? We are sorry boss, अच्छा हुआ आप ठीक हो गए। खैर अब आगे बताएं, आगे का क्या प्लान है? अबे क्या प्लान है आगे का, घर में बैठो, स्टे होम स्टे सेफ। लेकिन बॉस इंसान तो अभी भी बाहर निकल रहे हैं। अबे तो वो पागल है ना, अपन थोड़ी है, घर में बैठो, कोरोना के खात्मे तक छुट्टी है, घर में बैठो चिल करो, मिलते हैं कोरोना खत्म होने के बाद। लानत हो तेरे ऊपर भी, लानत है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोगों ने शैतान की बीमारी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और आप लोगों को हर साल की तरह बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बॉस आप कुछ नहीं बोल रहे? अरे बोलना क्या है, समझदार लोग हैं, अभी देखना है, एक सेकंड में 1 मिलियन पर पहुंचाएंगे। चलो जाओ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जल्दी करो भाई, इस वीडियो से 1 मिलियन चाहिए सब्सक्राइबर। 1 मिलियन चाहिए, 10 लाख व्यूज चाहिए, जल्दी जल्दी जाके 1 लाख लाइक चाहिए, सब्सक्राइब कर जल्दी कर।